वेलकम दोस्तों, आज वीडियो में जानने वाले हैं डबल डोर फ्रिज के बारे में। आप देख सकते रहेंगे, ये डबल डोर का रेफ्रिजरेटर है। इसमें कंप्लेन मिला है हमारा, कूलिंग नहीं करता है पूरा। तो यहाँ पर हम खोल करके चेक करते हैं वन बाय वन क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकता रहेगा। यहाँ पर हमने चेक किया, खाली है, नीचे हमारा फ्रिज चालू है, पावर है इसमें। फ्रीजर में हम देखते हैं तो यहाँ हमारा कुछ ठंडा नहीं है, चिल नहीं है। हमने थर्मामीटर भी लाया था चेक करने के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। यहाँ हम चेक कर पा रहे हैं, जो हवा दे सकते हैं आ रहा है यहाँ पे 25 आ रहा है, 25.5 डिग्री आ रहा है टेम्परेचर दे सकते हैं, यानी कि इसमें थोड़ा सा भी कूलिंग नहीं है। हमने आउटडोर बाहर साइड में आकर के देखा, पीछे साइड में, तो यहाँ पर हमने चेक किया कंप्रेसर वगैरह, तो इसमें पावर तो आ रहा है, कंप्रेसर में पावर आ रहा है, बट यहाँ पर स्टार्टअप नहीं ले रहा है। दे सकते रहेंगे, यहाँ पर स्टार्टअप नहीं ले रहा है। यहाँ पर टच किया, बाकी यहाँ पर कंट्रोल वगैरह है तो नॉर्मल है, कुछ जला कुछ शॉर्ट सर्किट ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर हम बाहर से देखते हैं मिल जाता है, बट यहाँ पर हमारे देखते रहेंगे। अगर आपको ये सब के बारे में चेक करने, रिले चेक करने के बारे में, डिफ्रॉस्ट टाइमर चेक करने के बारे में, कंप्रेसर चेक करने के बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, आप वीडियो नए टेंशन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं फील्ड में आना चाहते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं आपको इसका टेम्परेचर, कंप्रेसर का गर्म कितना है, इसमें पावर आ रहा था। आप देख सकते रहेंगे यहाँ पर टेम्परेचर हमारा 32-33, ये टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था, फील कर सकते रहेंगे, देख सकते रहेंगे हमारा कंप्रेसर कितना गर्म है, इसके अंदर पावर हमारा आ रहा था, पावर चल रहा था। आप देख रहे हैं 40 तक गया टेम्परेचर, तो हम इसको और भी जाता है, बस हमने हटा दिया क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। इसमें हम जो है और भी चेक करें, इसमें पावर आ रहा है तो हमने यहाँ पर चेक किया था, पाया कंप्रेसर जो है हीट हो रहा था, ऑन ऑफ हो रहा था, तब ऑन कंप्रेसर जो हमारा चालू हो रहा था, बंद हो रहा था, टक्कर के चालू होता, फिर थोड़ा टाइम के टक्कर के ऑफ हो जाता था ओवरलोड से। तो इसका हम एम्पियर चेक करते हैं, एम्पियर कितना इसमें शो करता है, देख सकते रहेंगे यहाँ पर हमने एम्पियर लगाया है, जिससे मालूम चलेगा कंप्रेसर हमारा स्टार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, कितना लोड एम्पियर ले रहा है। यहाँ पर हमने एम्पियर लगाया तो यहाँ हमारे 0.08 है, ये तो नॉर्मल है, इसमें कि पावर जा रहा है तो नॉर्मल है, 0.08 शो कर रहा है, बस इतना नहीं शो करना चाहिए आपको। हम पूरा डिटेल्स में एम्पियर लोड लेता है कितना होता है, देख सकते हैं अभी 8 समथिंग एम्पियर ले रहा है, आप देख सकते रहेंगे सभी 7.9 हो गया, यानी स्टार्टअप में हमारा 8 हुआ, अभी हमारा कम हो गया 0.14 हो गया। तो ये देख सकते रहेंगे स्टार्ट हो रहा है 8 एम्पियर तक जा रहा है, 8 एम्पियर तक जा रहा है, यानी कि एम्पियर जो है ज़्यादा ले रहा है, लोड ज़्यादा ले रहा है, आप देख सकते रहेंगे। तो यहाँ सब क्या करते हैं, पावर को कोट वायर निकालते हैं बंद करके, फिर इसका हम वन बाई वन रिले वगैरह टाइमर वगैरह कंप्रेसर चेक करेंगे, क्योंकि कभी भी ध्यान रखें कि आप पावर आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, लाइफ में पावर में अपना काम करें, सेफ्टी रखें। देख सकते हैं यहाँ से हमने चेक किया, उसके बाद हमें क्या दूसरा स्टेप क्या लेना चाहिए, डिफ्रॉस्ट टाइमर है, इसे हमें खोल करके निकालना है। डिफ्रॉस्ट टाइमर निकाल कर खोल कर निकालेंगे, देखेंगे इसमें कुछ हमारा वायर वगैरह सही है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ देख सकते रहेंगे यहाँ पर जो टाइमर है ये भी तो सही है, इसमें कुछ खराब वगैरह नहीं है, ये अपना काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, यहाँ से जो हमारा पावर जो है कंप्रेसर को ट्रांसफर कर रहा है, आउट कर रहा है। अगर हमारा कंप्रेसर टोटली आउट नहीं होता था तब इसको हम चेक करते थे, तब समझते थे हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, खराब हो सकता रहेगा, बट यहाँ पर जो है ये सही है, यहाँ से पावर तो आउट हो रहा है, ये अपना काम कर रहा है। इसका कंट्रोल वगैरह जो हमारे देख सकते रहेंगे कनेक्टर लगा हुआ है, और ये जो मेन इनकमिंग पावर है, यहाँ देख सकते रहेंगे ये जो हमारा है कनेक्टर मेन इनकमिंग है, आप देख सकते रहेंगे ऐसे ब्लू और ऑरेंज जो है, ब्लू और ब्राउन जो वायर जो है, ये हमारा मेन फेस न्यूट्रल इनकमिंग है, देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा इन हो रहा है, ये हमारा कहाँ पर जा रहा है, अंडर जो हमारा जो डोर स्विच वगैरह है वहाँ जा रहा है, वहाँ से घूम करके वापस टाइमर में आया, टाइमर से जा करके जाता है। तो वीडियो को पोज करके यहाँ पर देख सकते रहेंगे कनेक्शन वगैरह किस तरह से, ब्लैक वायर जो न्यूट्रल वायर है डायरेक्ट हमारा आता है जो ओवरलोड से आकर के कंप्रेसर में जाता है, रेड वायर जो हमारा है देख सकते रहेंगे ये टाइमर वायर से निकल करके, यहाँ से टाइमर और निकल करके ये हमारा जाएगा जो रिले लगा हुआ है, रिले में जाएगा मेन वायरिंग और स्टार्टिंग के लिए जाएगा। यहाँ से आप वीडियो को स्टॉप करके समझ सकते रहेंगे, चाहे दूसरी वायरिंग के लिए दूसरा स्पेशल वीडियो बनाएंगे, चाहिए तो आप कमेंट करिए। यहाँ पे सकते रहेंगे अभी क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्टर जो रहता है कवर है कंप्रेसर का टर्मिनल का, इसे हम निकाल करके इसके अंदर रिले जो रहता है वो हम चेक करेंगे, रिले हमारा खराब है या ओवरलोड का प्रॉब्लम है या कंप्रेसर का प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है वो हम आईडेंटिफाई वन बाई वन करते हैं। ऐसे निकालने के लिए कवर जो हमें पुश करके निकाल सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं रिले लगा हुआ है, इसे हम खींचेंगे बाहर, खींचे के धक्का मार के थोड़ा निकालेंगे, ये हमारा निकल जाता है, आप देख सकते रहेंगे ओवर रिले निकल गया, ओवरलोड है, ये थोड़ा टाइट रहता है, देख सकते हैं दो पार्ट्स लगा हुआ है, ये हमारा नॉर्मल देख सकते रहेंगे, ये हमारा ओएलपी है, ओवरलोड है, रिले ये देख सकते रहेंगे, ये तो हमारा काम कर रहा है क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, हाई एम्पियर ले रहा है, कटअप कर जा रहा है, वो तो सही है। ये हमारा रिले है, पीटीसी रिले है, ये देख सकते हैं जो हमारा पीटीसी रिले है, एक वायर यहाँ पर आ रहा है और ये स्टार्टिंग, दूसरा हमारा मेन वायर निकल जाता है और दूसरा हमारा
स्टार्टिंग के लिए जाता है, रनिंग में जाता है, देख सकते हैं दो पॉइंट है यहाँ पर, तीन जो हो गया ये हमारा दो हो गया, रन एक स्टार्ट है, एक ओवरलोड कामर में जाता लगा रहता है, जैसा कि आपको मालूम ही रहेगा। नहीं है तो वायरिंग के बारे में, डिटेल्स के बारे में दूसरा पार्ट हम बनाएंगे, और भी बैठू हमारा बहुत से बना हुआ है, विजिट करिए, देखिए, फायदा लीजिए। रिले को हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे, बजर पर रख सकते रहेंगे, ओम से रेजिस्टेंस पर रख सकते रहेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी लगाते हैं, जो हमारा क्लिप आउट है वहाँ से जो है सामने सेम टू सेम वहाँ पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं, कुछ रेजिस्टेंस वगैरह शो कर रहा है कि नहीं, तब देख सकते रहेंगे मीटर में, यहाँ पर हमारा ये शो कर रहा है। और उसके बाद दोनों पॉइंट में देखते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं रेजिस्टेंस शो कर रहा है, कंटिन्यू शो कर रहा है, और इसमें दो पॉइंट आता है, वन बाई वन दोनों हमें चेक करना चाहिए, दोनों में हमारा शो कर रहा है कि नहीं, दोनों में हमारा शो करना चाहिए, आपस में जो कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। अब जैसा कि आप देख सकते रहेंगे ये हमारा दोनों शो कर रहा है, जैसे ही शो कर रहा है ये हमारा सही माना जाएगा, अगर आपस में दोनों हमारा नहीं शो करता था तो खराब माना जाएगा। तो अभी इसको क्या करते हैं, हम दूसरा रिले को लगाते हैं, इसमें एच हमने नहीं दिखाया आपको रिले लगाने के लिए, दूसरा चीज में जानेंगे, लेकिन अब देखिए हमने दूसरा रिले इसमें लगाया है, दूसरा रिले लगा करके चालू करके हम देखेंगे ये सही है या नहीं है। आप देख सकते रहेंगे हाथ में हमारा रिले पहले के साथ था, ये नया रिले है, ये यहाँ पे लगा करके देखते हैं ये हमारा वर्क करता है या नहीं करता है, क्या प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे वापस जो है रिले को लगाया हमने, दूसरा रिले लगाया, और अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट हो रहा है कि नहीं है, क्योंकि रिले जो हमारा पुराना था वो सही था, ख़राब तो नहीं था, फिर भी हम एक दूसरा रिले लगा नया लगा करके चेक करते हैं चालू होता है या नहीं होता है। तो एम्पियर मीटर हमने लगा लिया है, लगाने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा हम पावर चालू करते हैं, देखिए 9 एम्पियर ले रहा है, देख सकते रहेंगे 9 पॉइंट कुछ समथिंग एम्पियर ले रहा है, अब देख सकते हैं फिर 8 हुआ है, यानी स्टार्टअप में 9 से हो रहा है और धीरे धीरे हमारा कम आ रहा है, जैसे कि नॉर्मल कंप्रेसर आता है वो भी ज़्यादा एम्पियर रहता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे कम होता है। अभी जैसे ट्रिप हो गया 0 एम्पियर हो गया, पहले 9 एम्पियर था अभी 0.10 है एम्पियर ले रहा है, यानी कि ये 0 एम्पियर हो गया, यानी कि ओवरलोड से हमारा ट्रिप हो जा रहा है, कटअप कर जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है इसका कंप्रेसर का तीनों टर्मिनल है, इसके लिए हम क्या किए हैं, अभी डायरेक्ट हम चेक करेंगे, डायरेक्ट चेक करने के लिए दो वायर हमने एक कामन पर लगाया है और एक वायर जो हमने रन पर लगाया है, एक हमने कामन पर लगाया और एक रन पर लगा कर डायरेक्ट हमने वायर दिया है। वापस हम क्या करते हैं, इसे हम शॉर्ट करके चेक करते हैं सही है या खराब है कंप्रेसर को, क्या पता हमारा अगर रिले खराब हो, ओवरलोड खराब हो, उसके लिए हम डायरेक्ट चेक करके शॉर्ट करके देख सकते रहेंगे हमारा स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको पावर लगाया, स्टार्ट किया, यहाँ जैसे 9 एम्पियर ले रहा है और डायरेक्ट हम इसको शॉर्ट करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हम जो हमारा रन और स्टार्ट का इसको हम डायरेक्ट से शॉर्ट करके देखते हैं। अभी एम्पियर में देखिएगा कितना लोड लेता है शॉर्ट करते हैं, तो देखिए अभी ये हमारा ये ज़्यादा एम्पियर लेकर के ट्रिप हो गया, शॉर्ट हो गया है, देख सकते हैं। फिर वापस हम शॉर्ट करते हैं, स्पार भी होगा और एम्पियर भी देखेंगे, ध्यान रखिएगा एम्पियर 12 एम्पियर जाता है फिर वापस आ जाता है, यानी हम शॉर्ट करते हैं तो एम्पियर और ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वापस नॉर्मल 8 एम्पियर का आता है, यानी स्टार्ट नहीं ले रहा है कंप्रेसर को, हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तभी भी ये स्टार्ट नहीं ले रहा है। इसका मतलब है हमारा कंप्रेसर का मैकेनिकल सिस्टम है, वायरिंग का मैकेनिकल कुछ भी है वो खराब है, शॉर्ट हो गया है, यानी कि कंप्रेसर जो हमारा खराब हो चुका है, हाई एम्पियर ले रहा है, इसका मैकेनिकल चीज़ या वायरिंग कुछ भी है स्टक हो गया है, तो हमें इसे रिप्लेस करना होगा, रिपेयर करना होगा। तो इस तरह से हम चेक करते हैं अगर हमारा फ्रिज में कंप्रेसर वगैरह कूलिंग नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इस तरह से वन बाय वन हम चेक करते हैं और समझते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ ख़राब हो सकता रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ जानकारी मिला है, वीडियो अच्छा लगा इसका फीडबैक दीजिए, क्या नहीं अच्छा लगा वो बता सकते रहें, और भी तरह से वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।